हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम टास्क नंबर 7 को करने जा रहे हैं, जो कि है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर इसी को हम कह सकते हैं एक का घनमूल क्या होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे लेट क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखिए। ओके, तो यहाँ से क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ओके, नाउ 1 को हम क्या करेंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, हम 1 को 3 के पावर में लिख सकते हैं क्या, यानी यहाँ पर हम क्यूब कर सकते हैं, है ना, इससे कोई चेंजेस नहीं होने वाला। हम यहाँ पे एक सर्वसम का यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, यदि a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए, इसके दो गुणनखंड है, एक ये और एक ये, और इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल क्या है, 0 है। तो निश्चित ही या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, जब भी इनका गुणनखंड क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0, है ना, यानी इन दोनों में से या तो ये या फिर ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इसको देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखिए, हमें x की एक वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, x इक्वल टू 1। ओके, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पर देखा जाए तो a इक्वल टू कितना है, 1, b इक्वल टू कितना है, 1, एंड c इक्वल टू कितना है, 1 है। ओके, तो जब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू 1, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, माइनस 4ac, तो ए की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1, तो 4ac यानी 4 × 1 × 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4 × 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, अपॉन 2 × 2, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, 1 में 4 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3 अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट, इसको लिख सकते हैं रूट माइनस 1 इंटू रूट 3 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, रूट 1 जो होता है इसको आयोटा से दर्शाते हैं, कहें से, आई से, और रूट 3 है अपॉन 2, यहाँ पर लिख देंगे साइड में कि रूट 1 क्या होता है,
माइनस वन क्या होता है, आई होता है, यानी आयोटा। ओके, तो यहां पर हमें एक्स की दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक्स इज इक्वल टू जब हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, जबकि एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स की जो दूसरी वैल्यू आई है वो क्या है, माइनस वन, और निगेटिव लेंगे इस बार में तो रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ओके, तो हमें एक्स की तीन वैल्यू टोटल मिल चुकी हैं, कौन कौन सी, तो आप यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू। ओके, अब यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कि जो वैल्यू हमारी आई है ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई आई अपॉन टू, ये क्या सही है या गलत है ना, और इसको ये जो वैल्यू दे रखी है इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं ओमेगा से दर्शा देता हूँ, इसको कहाँ से दर्शाते हैं, ओमेगा से दर्शाते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको रख के हम वेरीफाई करते हैं कि क्या एक्स का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो हमें वन प्राप्त होता है या नहीं। ओके, यहाँ पर मैं एक्स का जो वैल्यू हमें मिला है जिसको हमने ओमेगा से दर्शाया है इसको पुट करके यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अगर एक्स इज इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू का क्यूब, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, वन की। तो यहाँ पर इसको हम तीन बार गुणा में लिख लेंगे, माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू आयोटा इंटू माइनस वन प्लस रूट ऑफ थ्री आयोटा अपॉन टू एंड इंटू माइनस प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन। ओके, तो जब इसका मैं क्या करूँगा, इन दोनों गुणा करके देखता हूँ, तो माइनस वन टाइम्स क्या हो जाएगा, प्लस वन, फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, थ्री के साथ, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो प्लस 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 हो जाएगा और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा और आई इंटू आई यानी आई का स्क्वायर अपॉन टू टू जा फोर एंड टोटल का मल्टीप्लाई बाय माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू इज इक्वल टू वन। ओके, इसको और हम सॉल्व करेंगे अभी, तो वन माइनस 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 ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और टू टाइम्स हो जाएगा थ्री आयोटा। यहाँ पर देखिए आई का स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन होता है, तो माइनस वन इंटू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री अपॉन फोर और किसके इक्वल है, सॉरी इंटू इसमें करना है अभी, प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन। वन में माइनस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू, माइनस टू रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर इंटू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन। यहाँ पर देखिए टू कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर, माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन। यहाँ से टू टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ओके, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटू में प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू इज इक्वल टू वन। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू आया है दो बार मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर का, यानी हमने क्या किया, ओमेगा इंटू ओमेगा। ओके, तो जो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको दो बार हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, इसलिए हम इसको एक्स ना करके क्या बोलेंगे, ये एक्स ना होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। ओके, बाकी इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, ये माइनस रूट थ्री आयोटा है, ये प्लस रूट थ्री आयोटा है, तो कहीं ना कहीं ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म पे है,
तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री, एंड आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन होता है, अपॉन टू टू जा फोर, है ना। अब इसको और इसके ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो वन के। सॉल्व करेंगे तो वन माइनस माइनस प्लस थ्री वन जा थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू वन। यहाँ पे थ्री प्लस वन कितना होगा, फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू वन। कहने के मतलब जो हमें x की वैल्यू मिली थी वो क्या था, वो करेक्ट था। ओके, जब ही हमारा ये आंसर वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं फैक्ट की बात करूँ तो रूट क्यूब क्यूब रूट ऑफ वन की जो वैल्यू होती है कौन कौन सी होती है, तो वन होता है, ओमेगा होता है, एंड ओमेगा का स्क्वायर होता है। ओके, और अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें क्या मिलता है, वन मिलता है। ओके, और अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, आई थिंक ये जीरो के इक्वल होगा। वन प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, फिर प्लस करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ओके, और इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके भी हम इसको भी हम टू अपॉन टू के फॉर्म पे लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन टू प्लस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ओके, अब यहाँ पर देखिए सीएम ले लेंगे कॉमन टू, और इसको हम क्या करेंगे, अंश को लिखेंगे टू प्लस माइनस माइनस वन प्लस 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 रूट थ्री आयोटा प्लस माइनस माइनस वन प्लस माइनस माइनस रूट थ्री आयोटा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस टू सॉरी प्लस थ्री आयोटा माइनस थ्री आयोटा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर जीरो पॉइंट टू, तो जीरो पॉइंट टू को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है। तो हमने क्या क्या प्रूफ किया फैक्ट में, पहला वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, और दूसरा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके, थैंक यू सो मच।